हम बच्चों की जो रूहानी मिलिट्री है, हम ज्योतिबिंदु रूपी आत्मा जो ब्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, जिनकी यादगार बिंदी या टीका लगाया जाता है, लगाते हैं ना, वो ज्योतिबिंदु रूपी आत्मा रूपी बच्चे, हम जान गए हैं कि हम देह नहीं हैं, हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। और हम आत्मा अभी शिव बाप से वर्षा ले रहे हैं। काय का वर्षा ले रहे हैं? है? किस बात का वर्षा ले रहे हैं? शिव बाप से है? हाँ, जिस बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण क्या है, त्रिकालदर्शी होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण क्या है, अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, उस पूर्ण में से पूरा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचेगा। ऐसा वो आत्माओं का, निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को बता रहा है कि मैं तुम बच्चों को आप समान क्या अखूट ज्ञान का भंडारी बनाकर जाऊंगा। तो सब बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? सब बच्चे अखूट भंडारी बनेंगे। अरे जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही बनेगा ना। और पुरुषार्थ क्या बताया? मत मना भव, मेरे में मन लगा दे। माने मन की जो संकल्प शक्ति है, जो मेरे मन में संकल्प चल रहा है, वही संकल्प शक्ति, वही संकल्प तेरे मन में चलना चाहिए। अगर कोई दूसरा संकल्प चलता है, विरोधी संकल्प चलता है, तो मनमना भव हुआ या नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र महामृत्यु के समय तक कैसी स्टेज प्राप्त कर लेंगे? मनमना भव की स्टेज प्राप्त कर लेंगे। कौन कहता है मनमना भव? मेरे मन में समा जा। अरे वो षष्ठी रूपी वृक्ष का चित्र बताया हुआ है, साक्षात्कार से बनाया हुआ, उसमें ऊपर कौन बैठा है? शंकर बैठा हुआ है। नग्न रूप में बैठा है या कपड़े पहनकर बैठा है? नग्न रूप में बैठा है। वो नग्न रूप ही शिवलिंग है, जिसको कभी कपड़े नहीं पहनाए जाते। क्या आत्मिक रूप में स्थिर हो गया, उसको हाथ पांव नाक आंख कान वाला शरीर रूपी वस्त्र है ही नहीं। वो एक ही आत्मा है जो शिव बाप का बड़ा बच्चा है। वो बड़ा बच्चा जिसके लिए बीसियों बार ब्रह्म वहां वाक्य मुरली में आया है, क्या ब्रह्म वाक्य आया है? नैनो पर तुम बच्चों को बिठा कर ले जाऊंगा। माने बच्चे बहुत हैं और बाप एक है, उसको नैन है जो निराकार है, आत्मा निराकार का बाप, उसको नैन है, इंद्रियां हैं, शरीर है नहीं, वो तो इंद्रियातीत है, वो सिर्फ बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि, उसको अपना मन भी नहीं है, मन भी ग्यारहवीं इंद्रिय है,
जो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव है वो इंद्रियातीत है, मन से भी अतीत है। जो ग्यारहवीं इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है वो कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान त्रिकालदर्शी बना कर ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा है? बच्चे बिगड़ जाते हैं, मान लो विदेश में चले गए कोई बच्चे है और वहां जाकर के बिगड़ गए, बिगड़ते हैं कि नहीं है? वैश्याओं के पीछे पड़ जाते हैं, लंपट बन जाते हैं और बाप को पता चलता है। तो अगर पावरफुल बाप है तो क्या करेगा है? क्या करेगा है? खींच के ले आएगा। ऐसे ही ये बाप भी ऐसा समर्थ बाप है, कैसा है, हाँ। इस मनुष्य सृष्टि में जो पहला बड़ा बच्चा है उसको तो पहले पकड़ता है और क्या बनाता है, आप समान अखूट ज्ञान का भंडारी बनाता है। जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हें पार्ट बजाना है इस शरीर से, तब तक तुम अकूट भंडारी बन करके रहोगे। और जिसको अकूट भंडारी बनने का सीट मिल जाए तो वो सबसे दुनिया में पावरफुल हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि गीता में भी लिखा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और ब्रह्मवाक्य मुरली में भी बताया कि दुनिया के सारे काम बड़े थे बड़े और छोटे थे छोटे, अच्छे थे अच्छे और खराब से खराब, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का अच्छे से अच्छा काम और सारी पुरानी दुनिया का तामसी दुनिया का विनाश का काम कौन सी ताकत से होता है? पवित्रता की ताकत से होता है। किसके द्वारा विनाश गाया हुआ है, है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर तो विष पीता है, विष पाई है, विष तो पराई स्त्री को कहा जाता है, पराई स्त्री पर पुरुष को जो भोग करता है उसे विष कहा जाता है, विष पीता है। तो शंकर तो बड़ा विष पाई है तो पवित्र है? अरे विष पाई है तो पवित्र है? अरे मंदिर में जाके देखो ना क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है? अरे है? जलाधारी में बैठा हुआ है। जलाधारी नाम क्यों दिया है? हाँ, जब बेहद के ब्राह्मण हैं, बेहद की आत्मा बनते हैं संपन्न, तो बेहद ज्ञान जल की बात है। और जब हद के मनुष्य बनते हैं तो स्त्री रूप में बहने लगती है।